हेलो, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम फ्रॉम द टॉपिक मेंसुरेशन। चलिए सम को पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं सम में क्या दिया है। सम में दिया गया है, टिंग मेकर कन्वर्ट्स अ क्यूबिकल मेटालिक बॉक्स इनटू 10 सिलिंड्रिकल टिन्स। साइड ऑफ द क्यूब इज 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ईच सिलेंडर सो मेड इफ द वेस्टेज इनकर्ड वॉज 12%। वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन एज 22.7। पाई की वैल्यू दी गई है 22.7। काफी खुश हो, राइट? ओके, चलिए सबसे पहले फिर से समझ लेते हैं सब में क्या दिया। अब हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अ टिन मेकर कन्वर्ट्स अ क्यूबिकल मेटालिक बॉक्स इंटू 10 सिलेंड्रिकल टिन्स। मतलब एक टिन मेकर है, ओके, वो टिन्स बनाते हैं, ओके, पतरा जो होता है, पतरे से चीजें बनाते हैं, ओके। उनके पास एक क्यूबिकल मेटालिक बॉक्स है, मतलब एक मेटालिक बॉक्स है जो क्यूब शेप में है। क्यूब शेप में है मतलब इसके सब साइड सेम है। वेरी गुड। ये टिन मेकर क्या कर रहा है? इससे वो बना रहे हैं 10 सिलिंड्रिकल टिन्स, ओके। सो 10 सिलिंड्रिकल टिन्स अगर उन्हें बनाने हैं तो क्या करेंगे? पहले ये जो पूरा पतरे का बॉक्स है जो क्यूबिकल शेप में, उसे ओपन कर देंगे, है ना। उसे ओपन कर देंगे और ये पूरा बॉक्स उन्होंने यूज किया है। पूरा बॉक्स यूज किया है मतलब सभी सरफेसेस को यूज किया है। तो याद रखना, टोटल सरफेस यूज किया है, ये याद रखना। और ये सभी सरफेसेस को यूज करके उन्होंने बनाया है 10 सिलिंड्रिकल टिन्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो ना, तो सिलिंड्रिकल कैंस कैसे होते हैं, वैसे उन्होंने बनाया 10। ओके, सो दैट मीन्स हमें इतना समझ गया है कि एक क्यूब से, राइट, एक क्यूबिकल मेटालिक बॉक्स से वो स्टीन मेकर ने बनाया है 10 सिलिंड्रिकल टिप्स। ओके, ये हमें फर्स्ट सेंटेंस से समझ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। साइड ऑफ द क्यूब इज 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। मतलब अभी डायमेंशन ये है, क्यूब का साइड हमें दे दिया गया है 50 सेंटीमीटर और सिलिंड्रिकल टिन जो 10 है सब एक ही साइज के, और उनका रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो आप बोलोगे वाओ, ये इंफॉर्मेशन भी हमें समझ गया। सो इतना डिटेलिंग समझ में आ रहा है, चलिए ब्यूटीफुल। अब आगे दिया क्या है? उन्होंने बोला फाइंड द हाइट ऑफ ईच सिलेंडर। ओके, सिलिंड्रिकल टिन का हमें रेडियस दिया गया है और हमें हाइट ढूंढना है। ओके, सो मेड इफ द वेस्टेज इनकर्ड वॉज 12%। ये सोचिए, इसमें से जब उन्होंने ऐसे टिन्स बनाए तो वेस्टेज हुआ ही रहेगा ना, बिकॉज यहां पे देखिए हर एक सरफेस जो है वो स्क्वायर है ना। उसमें से अब जब सिलेंडर बनाते हो, ओके, सिलेंडर का जब हम लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बनाते हैं, उसमें वेस्टेज नहीं होता है बिकॉज वो रेक्टेंगुलर है, वो कट। बट उसके जब टॉप और बेस बनाते हो तो उसमें सर्कल्स बनते हैं, तो सर्कल्स जब यहां से कट करेंगे तो वेस्टेज तो होगा ना। तो समझ रहा, प्रैक्टिकली ये सारी चीजें समझ रहे हो एज अ क्वेश्चन। तो ये टिन मेकर का एक्चुअल दिक्कत है। तो ऐसे प्रोसेस में जितना भी टिन सरफेस उनके पास अवेलेबल है, अब मुझे ये बताइए उनके पास इसमें से कितना टिन मिलेगा, कितना सरफेस एरिया। आप बोलोगे पूरा सरफेस यूज कर रहे हैं, मतलब टोटल सरफेस एरिया है ना। वेरी गुड। उसमें से 12% वेस्टेज हुआ है, 12% वेस्टेज हुआ है, ओके। और वेस्टेज होने के बाद जो बच गया है, 12% वेस्टेज हुआ, मतलब 88% जो बचा वो क्या है, उससे बना है ये। दैट मींस इनका जो टोटल सरफेस एरिया है, राइट ना, दैट इज इक्वल टू जो बचा हुआ है 88%। ओके, दैट मींस हमें समझा क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलू, इसमें से मैं बोलता हूं 100 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे मिला टिन, उतना सरफेस एरिया है। ओके, एग्जांपल दे रहा हूं, 100 में से वेस्टेज कितना हुआ, 12%, मतलब 12, ओके, 100 का तो 12, तो बचा हुआ 88 क्या है, दैट इज अ टोटल सरफेस एरिया। वो पूरा यूज हुआ इनके लिए ना, 10 सिलिंड्रिकल टिन्स के लिए, सब सरफेसेस बनाने के लिए। ओके, दैट मींस हमें समझा क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि इसका टोटल सरफेस एरिया, किसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू, वो क्या है, वो पूरा इक्वल टू क्या है, वो पूरा इक्वल टू वेस्टेज प्लस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 10 सिलिंड्रिकल टिन्स है। इज दैट क्लियर? यस, वही लिख रहे हैं और वही कॉन्सेप्ट है, वही हमें अब ये डिस्कशन से समझ आया है। ये समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ जाते हो तो हम सब के बारे में सोच सकते हैं।
अब सबके बारे में ये सोचिए, हमें सिलेंडर का हाइट फाइंड करना, तो सिलेंडर का हाइट फाइंड करना, तो आप बोलोगे सिलेंडर का रेडियस तो दिया है, ओके okay, और सिलेंडर के बारे में हम यहाँ पे देखोगे तो अभी जो हमने डिस्कशन किया क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 10 सिलेंड्रिकल टिन्स है, ओके okay, अगर हम एक सिलेंड्रिकल टिन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर पाए, राइट right, अभी बिकॉज अगर 10 का मिलेगा तो हम एक का फाइंड कर सकते हैं। अब सोचिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सिलेंड्रिकल टिन मिल गया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है सिलेंडर का क्या है, 2πr × r + h। अब सोचिए अगर वो मिल जाए, टोटल सरफेस एरिया मिल जाए, हमें रेडियस ऑलरेडी पता है, तो जब इक्वेशन फॉर्म होगा उस इक्वेशन से हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। दैट मींस हमें पर्पस समझ गया कि इसमें से हमें फाइंड क्या करना है, पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ 10 सिलेंड्रिकल टिन, उसमें से हम निकालेंगे एक का और हमें बाद में हाइट मिल जाएगा। तो आप बोलोगे ओके, अगर ये फाइंड करना है टोटल सर्फेस एरिया ऑफ 10 सिलेंड्रिकल टिन, ये फाइंड करने के लिए हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब फाइंड करना होगा और वेस्टेज फाइंड करना होगा, है ना, बिकॉज अगर ये दोनों मिल जाए तो ये जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया है, ये जो इक्वेशन फॉर्म किया है, उसमें से हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ 10 सिलेंड्रिकल टिन मिलेगा कि मिल जाएगा। वेरी गुड, दैट मींस हमें पहले ये फाइंड करना है टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो आप बोलोगे हाँ, उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन दिया है, तो लिखिए फॉर द क्यूबिकल मेटालिक बॉक्स, हमें साइड दिया है और उसे हम डिनोट करते हैं एल से, तो लिखिए साइड इनटू ब्रैकेट एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ओके ये लिख लिया। अभी और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है हमें सिलेंड्रिकल टिन के लिए, क्या इन्फॉर्मेशन दिया है सिलेंड्रिकल टिन के लिए, हमें दिया गया है रेडियस, तो हम लिखेंगे रेडियस इनटू ब्रैकेट आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ब्यूटिफुल, ओके okay, अब आप बोलोगे ये इन्फॉर्मेशन तो हमने लिख लिया, हम फाइंड क्या करेंगे, पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब पहले फाइंड कर लेंगे। ओके सिलेंडर के लिए हमें फाइंड क्या करना है, हाइट, वो हमें पता नहीं है तो हम ऐसे ही रखेंगे, हमें पता नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, वो क्या है 6L² हमें एल पता है, एल कितना है 50 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 6 × 50² ओके सो 6 × 50² मीन्स 50 × 50। अब 5 × 5 है 25, 25 × 6 है 150, और कितने जीरो है उसके बाद दो, मतलब क्या आएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बोलोगे हमें टोटल सरफेस एरिया तो क्यूब तो मिल गया, अब क्या है वेस्टेज कितना हुआ वो फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वेस्टेज क्या है 12% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, हमारे पास जितना अवेलेबल था ये है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका 12%, तो आप बोलोगे वेस्टेज हम फाइंड कर सकते हैं, वेस्टेज कितना है, इट इज 12% ऑफ 15,000, 12% माने 12/100, तो लिखिए 12/100 इंटू 15,000। आप बोलोगे ये कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, दो जीरोज यहां से, दो जीरोज वहां से, न्यूमरेटर से कैंसिल, तो बचा क्या 12 × 150, 12 × 15 कितना है 180, और एक जीरो बचा है, मतलब 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मुझे बताइए अभी हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब पता है, वेस्टेज पता है, तो अगर ये वेस्टेज इसमें से माइनस कर दे तो मिलेगा क्या, ये हमें मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ 10 सिलेंड्रिकल टिन्स, तो लिखते हैं ये कैसा होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 15,000 माइनस वेस्टेज दैट इज 1800, माइनस कीजिए कितना आ रहा है बताइए, वेरी गुड 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था 10 सिलिंड्रिकल टिन्स का टोटल सरफेस एरिया मिल गया है, तो क्या हम एक सिलिंड्रिकल टिन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, हाँ फाइंड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 10 तो फाइंड कीजिए, सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सिलिंड्रिकल टिन इज नथिंग बट 13,200 डिवाइड बाय 10, ओके जीरो एंड जीरो गेट्स कैंसल्ड, तो क्या मिला 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्यूटीफुल, अब तो आप बोलोगे अब तो हमें समा गया, बिकॉज हमने स्टार्ट में डिस्कस किया हमें टोटल सरफेस एरिया मिल गया है और हमें ऑलरेडी सिलेंडर का रेडियस पता है, तो क्या हम हाइट फाइंड कर सकते हैं, हाँ, बिकॉज अभी हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलिंड्रिकल टिन का फॉर्मूला क्या है 2πr × r + h, राइट, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया हमें पता है, तो लिख लीजिए वहां पे 1320 लेफ्ट हैंड साइड में 2 का 2 होगा, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, तो लिखिए 22/7 इनटू r, r की वैल्यू क्या है 7 है, वो लिखिए इनटू ब्रैकेट क्या आएगा 7 + h। अब हमें सिर्फ ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, ओके अब क्या करेंगे,
वेरिएबल जो है इधर है बाइनोमियल के साथ, इस 7+HA इसको यहीं पे रखते, बाकी सब जो है मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है उसको सब शिफ्ट कर देते उस तरफ, तो क्या होगा 1320 है डिवाइड बाय 7 उधर चला जाएगा इंटू 7, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 डिनोमिनेटर में इंटू 22 इंटू 7, और राइट हैंड साइड में क्या बचा है हमारे पास 7+H, वेरी गुड। चलिए अभी कैंसिलेशन करते हैं, आप बोलोगे कैंसिलेशन तो बहुत इजी है, 7 and 7 गेट्स कैंसल्ड, ओके। अब 1320 एंड 22 है, ये दोनों भी 11 से कैंसिल होता है, सो 11 टूज आ यहाँ पे कंसिडर करते हैं, 11 वन जा 11, कितना बचा 2 2 22, 11 टूज आ वेरी गुड, और क्या बचा 0, वेरी गुड, और पॉसिबल है, बहुत सिंपल है, 2 वन जा 2 6 जा एंड 0, वेरी गुड, फिर से और कैंसिल कर सकते हैं 2 वन जा एंड 2 3 जा एंड 0, 30, ओके, तो हमें क्या मिला 30 is equal to 7+H, सुपर। हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, सो प्लस 7 को वहां पे ट्रांसपोज कीजिए, शिफ्ट कीजिए, तो क्या होगा -7, दैट मींस हमें मिलेगा 30 - 7 = h, दैट मींस हमें h की वैल्यू मिलेगी, कितना है 30 - 7 है 23, दैट मींस हम लिखेंगे h = 23, दैट मींस हमें क्या मिल गया, हमें हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल टिन मिल गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल टिन इज 23 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए क्या ये सिंपल था, अब बोलोगे बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, बट कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो जब भी हम कोई सम पढ़ते हैं उस सम को समझ लीजिए, उस सम से हमें क्या मिला, तो अगर वो सेट हो जाता है, वो अगर हम राइटली स्टार्ट में सोच लेते हैं, उसके बाद उस तरफ उस डायरेक्शन में सोचना, उस डायरेक्शन में सॉल्व करना हमें मिल जाता है, और वो बहुत ईजी हो जाता है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट था। तो इसी तरीके से मैं हर बार वही डिस्कस कर रहा हूँ, इससे पहले भी जो सारे वीडियोस डिस्कस किए उसी में वो अप्रोच ही सीखा है, तो उन वीडियोस को देखना, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये तो आपको समझा ही होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप आपके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी ये और पसंद आए, उनको भी ये इजी लगे, और आपने चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।